तो आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है और इसी तैयारी के सीक्वेंस में हम लोग लेके लगातार आपके लिए आ रहे हैं झारखंड पीजीटी का कंटेंट। इस कंटेंट में आपको लगातार बेहतरीन क्लासेस मिल रही हैं और इसी सीक्वेंस में हम लोग सारी चीज़ों को वन बाय वन करके कवर कर रहे हैं और लगातार आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, क्योंकि हमें इस बार अपना टारगेटेड एग्ज़ाम को कवर करना है और ये चीज़ आपको एक बेहतर लेवल तक लेके जाएगी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिजन। सेम टू सेम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ कवर करी जा रही है। कम से कम 1 अप्रैल तक आपका कम से कम एक सेक्शन कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए, कि जिन लोगों को झारखंड पीजीटी का बैच परचेज करना है वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट दी हुई है, वहाँ पर जा करके लिंक कर सकते हैं और एक बेहतरीन सीक्वेंस में अपनी जॉब को पा सकते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं कोलिजन। कोलिजन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बातों को पढ़ना है हमें। हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना रहता है। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, तो सोचिए कि हमारे पास में कोलिजन पढ़ना है हमें, तो कोलिजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो कोलिजन से क्वेश्चंस बनेंगे, संगति जो होता है उससे क्वेश्चंस बनेंगे और वो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। 10 सेकंड में आपको मैं याद करा दूंगा चीज़ों को, तो आप फटाफट सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले समझिए कोलिजन है ना, जैसे इसका नाम है कोलिजन्स, ठीक है। बेसिकली कोलिजन दो टाइप का होता है, बेसिकली कोलिजन जो होता है दो टाइप का होता है ना। आप ये सब बचपन में बहुत तरीके से सीखते होंगे, पर मैं आपको तीन तरीके का बताऊंगा, ठीक है। तीन तरीके का बताऊंगा, बस एक तरीके को उसको मिक्स कर दूंगा बस, है ना। दो तरीके का होता है, एक होता है आपका इलास्टिक कोलिजन, एक होता है आपका इलास्टिक कोलिजन, है ना, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इस इलास्टिक कोलिजन में कुछ होता होगा और एक होता है आपका इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, है ना, इन इलास्टिक कोलिजन। ये आपके दो टाइप के कोलिजन्स हो गए। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, कैसे पूछेगा, ये मैं आपको बता दूंगा जिससे आप चीज़ों को समझ सके, ठीक है। तो हमारे पास आ गया इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी रहती है कंजर्व्ड। तो PKE क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, कंजर्व्ड रहता है ना, कंजर्व्ड रहता है। बट इन इलास्टिक कोलिजन में मेरे भाई सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्या रहता है, ओनली पी कंजर्व रहता है और ई भी कंजर्व रहता है। पी एंड ई क्या रहता है, कंजर्व रहता है ना, कंजर्व रहता है। बट काइनेटिक एनर्जी में कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं होता, या हम कह सकते हैं डेल्टा के नॉट इक्वल टू जीरो, या नहीं कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब कैसे होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। इन इलास्टिक कोलिजन भी दो टाइप का होता है, जो आपका इन इलास्टिक कोलिजन है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन दो टाइप के होते हैं। अब जो कोलिजन यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली कोलिजन क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा जाए कोलिजन हो गया, ये कोलिजन है बस, और क्या है इसमें। अब कोलिजन में जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये इलास्टिक कोलिजन, एक कोलिजन, एक इन इलास्टिक कोलिजन, एक परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन और एक हो गया इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। सारी बातों को ध्यान से समझिए, बहुत ही खूबसूरती के साथ पढ़ना है हम लोगों को। हम लोग को इस बार अपने एग्ज़ाम में बेहतर से भी बेहतर करना है ना, हम लोग को अपने एग्ज़ाम में बेहतर से भी बेहतर करना है और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स को पाना है और इस बार सिलेक्शन ले लेना है। तो कोलिजन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, ये दोनों में से एक की वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है, तो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि u1 ज़्यादा होना चाहिए u2 से, ये केस है। ये दोनों पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तभी कोलिजन होगा। सोचिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोलिजन होगा ही नहीं, कोलिजन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अगर पॉसिबल नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आएंगे आफ्टर कोलिजन, ये हो गया हमारा बिफोर कोलिजन ऐसा था। अब इसका मास m1 ले लीजिए, इसका मास m2 ले लीजिए। अब यहाँ पे आइए बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन, है ना, ये है बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a, इसका मास कितना है m1, और ये जाएगा v1 वेलोसिटी से, ये हमारा मास है m2, ये जाएगा v2 वेलोसिटी से,
ये बी है सर, ठीक है। तो अब यहां पर आता है कि यहां पर वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, जो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं इस चेंजेस के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, है ना, रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट, है ना, क्या काम यूज करेंगे, रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट, इसका शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, है ना। बेसिकली से हम ई से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, तो वी वन माइनस का वी टू इज इक्वल टू ई माइनस का यू वन माइनस यू टू, ये है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां पर आफ्टर कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, बिफोर कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, दोनों का जो रेशियो आएगा उसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, है ना, इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, है ना, कांस्टेंट ऑफ रिस्टिट्यूशन या रिस्टिट्यूशन कांस्टेंट कहते हैं, इसे ई हम कहते हैं। सर ये जो ई दिया हुआ है, ये ई तीन बातों पर निर्भर करेगा आपका, ये तीन बातों पर निर्भर करेगा। पहली बात होगी कि सर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी कुछ वैल्यू होगी, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी कुछ वैल्यू होगी, और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कुछ इसकी वैल्यू होगी। नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज हाँ सब कुछ दिख रहा है बहुत ही खूबसूरती के साथ में, है ना। देखिए ये तो मैं आपको ऐसे याद करा रहा हूँ, अभी सब मैं आपको याद करा दूंगा, पेशेंस रखिए बस। तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए ई की वैल्यू वन होती है, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है यहाँ पे, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है इलास्टिक कोलिजन, तो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू जीरो होती है और इसके लिए ई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है, ये वैल्यू याद रखनी है आपको। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए यहां पर आप याद रखिए कि इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू वन होगी, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू जीरो होगी, और इसके लिए इन इलास्टिक, है ना, इन इलास्टिक, है ना, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू जीरो, ई और वन होगी। इतनी बातें अगर आपने याद कर ली हैं तो आप मानिए कि आपके आधे क्वेश्चन लग चुके हैं। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि ये सब तो कॉमन बातें हैं जो बचपन में आप पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको करा देता हूँ, सिंपल सिंपल से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप 10 सेकंड के अंदर ही कर देंगे, ओरल कर देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन आपका रहेगा फॉर, क्या रहेगा, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन विच क्वांटिटी ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है, ऑलवेज कंजर्व्ड, ये तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा आपका, मोमेंटम। अच्छा इसकी जगह मैं पी ले देता हूँ ना, क्या रहेगा, पी, बी रहेगा के, सी रहेगा आपका ई और डी रहेगा ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, इन इलास्टिक दिया हुआ है भाई, पी और ई तो कांस्टेंट रहेंगे, बट कौन सी क्वांटिटी कंजर्व नहीं रहेगी, के कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं इनको हटा दूं, इलास्टिक कोलिजन कर दूं, तो याद रखिए कि इसमें सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी जगह पर मैं बोल दूं कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, तो भी याद रखिए कि उसमें ई और पी दोनों कंजर्व रहते हैं। इतनी बातें अगर क्लियर हो चुकी हैं तो एक और क्वेश्चन आएगा, है ना, क्वेश्चन ऐसा होगा, है ना, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड करना है, जीरो ई वन फॉर इलास्टिक, बी ऑप्शन जीरो ई वन फॉर इन इलास्टिक, सी रहेगा आपका जीरो ई एंड वन फॉर
इनलास्टिक है ना, ये क्या है, कॉफिशियंट ऑफ प्रेसिजन है। डी क्या रहेगा, ऑल रॉन्ग है ना, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। तो याद रखिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए। अच्छा, सारे क्वेश्चन इतने हलवा हैं कि आपको अब लग रहा होगा कि इतने अच्छे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें कुछ बड़ा सा नहीं है जिसमें आप इस क्वेश्चन को कर ना सकें। देखिए, हर तरीके के क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो क्या होगा कि चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, आप हर एक चीज़ को आसानी से कर पाएंगे, है ना। और ये भी एक सोचने वाली बातों में से एक बात में आती है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसे कैसे अप्रोच करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको मैं इसको नंबर वन लिखूंगा, है ना, है ना। एक बॉडी है ना, एक बॉडी M1 इज इक्वल टू 2 kg दिया हुआ है, U1 इज इक्वल टू 1 m/s दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया है ऐसे करके। ये हमारे पास है 2 kg और वेलोसिटी दिया है इसकी 1 m/s। ये दूसरी बॉडी है 4 kg की, है ना, इसकी U2 दिया हुआ है 2 m/s, है ना, ये U1 दिया हुआ है, ठीक है। याद रखिए, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। ये था बिफोर कोलिजन BC, है ना, ये है आफ्टर कोलिजन। देखो मास तो चेंज होने से रहा, ये कितना है 2 kg, ये कितना है 2 kg और ये कितना है 4 kg, ठीक है। इसकी स्पीड जो, इसकी वेलोसिटी जो है ना, 4 m/s हो गई। आपको बताना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, V2 बताना है आपको, ये फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करिए, बहुत ध्यान समझिए। इसको इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 2, इसको इसको करिए कितना हो जाएगा 8, इज इक्वल लगाइए, इसको इसको करिए कितना हो जाएगा 2V+ का, और इसको इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16। 8 से 8 काटिए, यहाँ पर 8 बचेगा, ये काटिए यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 4, कितना बचेगा, नहीं सॉरी 6 बचेगा ना, 6 यहाँ बचेगा 6, इसको इधर लेके आइए तो 3 आ जाएगा, V इज इक्वल टू -3 m/s आ जाएगा। रुकिए, रुक जाइए, क्वेश्चन तो आपने पूरा पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन तो आपने पूरा पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं कि भाई किसके लिए है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर परफेक्ट, फॉर परफेक्ट, है ना, परफेक्ट कोलिजन, है ना, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन। बात समझ में आई आपको, कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ बता ही नहीं रहा हूँ कि भाई कौन सा कोलिजन हो रहा है तो आप सॉल्व क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया, परफेक्ट इलास्टिक था तो मैंने ऐसे कर दिया। सोचिए अगर यही क्वेश्चन इन इलास्टिक में आ जाता, परफेक्ट ना होता, इन इलास्टिक में आ जाता ओनली, इन इलास्टिक कोलिजन होता तो कैसे करते, क्या ये चीज़ काम करती, बिल्कुल काम करती। बट अगर यहाँ पर ये V2 की वैल्यू पूछ रहा है, V2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो V2 की वैल्यू के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी काम बनेगा। तो मैं दो फॉर्मूले बताता हूँ फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, V1 के लिए और V2 के लिए। याद रखिए अगर 2 मास दिए हुए हैं, टोटल मास कितना हो जाएगा 1/M1+M2, ये टोटल मास ऑलवेज कॉन्स्टेंट कर लीजिए इसको। अब आता है M1 माइनस का EM2 और यहाँ पे रहेगा हमारा U1 प्लस का 1 + EM2 एंड U2। ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा अगर आपसे V1 पूछ रहा है तो, कब, जब इन इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है, ठीक है। और अगर उसने V2 की बात बोली है तो 1/M1 + M2 तो साथ में रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा M2 माइनस का EM1 और इसको मैं करूँगा ऐसे, और ये हमारा हो जाएगा U1 प्लस का 1 + E और यहाँ पर हो जाएगा M1 और U1, यहाँ पर U2 कर लीजिए। बातें क्लियर हुई। अब यहाँ से अगर हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए देखिए इलास्टिक और इनइलास्टिक में दोनों में अंतर यही था सिर्फ। अगर आपने ये अंतर पहचान लिया तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा ले जाएंगे, और अगर आप ये अंतर पहचान नहीं पाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हमें अब V2 फाइंड करना होता तो हम लोग क्या करते, भाई यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2 दिया था ना, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 था, ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, तो 1/6 हो गया। अब ई की वैल्यू मान लीजिए उन्होंने दे दिया, भैया 3/4 है ना, 3/4 दे दिया, तो सॉल्व करने में बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो V2 फाइंड करना है। तो M2 हमारे पास कितना है, हमारे पास 4 है ना,
चार है, माइनस का 3/4 इंटू M1 कितना हमारे पास, 2, ठीक है, तो ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं है। और यहाँ पर क्या है, U2, U2 कितना था हमारे पास में, हम लोग तो डाटा लिख दिए भूल गए, है ना, U2 हमारे पास 1 था, कितना था 1, है ना, 1 था। फिर कितना बचा हमारे पास प्लस में, है ना, अब 3/4 दिया है, 3/4 रखेंगे कितना हो, 3/4 और 3 7, 7/3 हो जाएगा, सॉरी 7/4 हो जाएगा, है ना। और M1 कितना था हमारे पास, 2। U1 कितना था हमारे पास, ये तो हमारे पास शायद 2 था आई थिंक, है ना, और ये हमारे पास कितना था, 1 था, बस हो गया काम, इसको सॉल्व करेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ क्योंकि इससे मज़ा नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन में दम नहीं है, दम इसलिए नहीं क्योंकि हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन इरेज कर दिया था, इसलिए क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को, तो कोई बात नहीं सर, हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर, है ना, क्या है क्वेश्चन, फॉर इन इलास्टिक कॉलिजन, हमारे पास दो टाइप के कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन के लिए हमें बात करनी है। हमारे पास एक मास है, इसका मास है M1 इज इक्वल टू 2 kg और इसकी स्पीड है U1 इज इक्वल टू 4 m/s। एक बी है ना, क्या है, बी है हमारे पास, इसका वेलोसिटी है ना, इसकी इसका मास है, इसका मास है 4 kg और इसकी वेलोसिटी है U2 इज इक्वल टू, कितनी ले लूँ मैं, 8 m/s ले लेता हूँ, है ना। कॉन्स्टेंट ऑफ स्ट्रेशन ई दिया हुआ है इसको, 3/4 मैंने लिया है, हालांकि आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं अगर V1 V2 यहाँ से गिवेन हो तो, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन यहाँ पर V1 दिया हुआ है 4 m/s, है ना, 4 m/s दिया है, आपको B निकालना है, B की वेलोसिटी निकालनी है, तो आप V2 निकालिए सीधे सीधे, V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 4 6, 1/6। हमें V2 फाइंड करना है, M2 की वैल्यू कितनी है, 4 4, ध्यान समझ जाइए, माइनस का 3/4, है ना, 3/4 दिया है, इंटू M1 कितना है हमारे पास में, M1 हमारे पास है 2 kg, ये 1/2 खत्म हो गया, और U2 कितना हमारे पास में, 8 m/s है। अब यहाँ पे लगाइए प्लस, 1+E मतलब 3/4 दिया है और एक जोड़ेंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7/4 आ जाएगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को ओरल लगाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, है ना। M1 कितना हमारे पास में, 2 है, और U1 हमारे पास कितना है, 4 है, ये हमारा हो गया कैलकुलेशन। देखिए 4 से 4 काटिए, ये हो गया 14, ठीक है, ये हो गया 14। यहाँ पे देखिए ये काटिए, यहाँ पे 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा कितना, 1.5, 1.5, ये लेसे कितना, 2.5, 2.5 × 8 और प्लस का 10, ठीक है, 25, 25 जो कि 100 होता है, 200 मतलब 2 आना चाहिए, है ना, 20 आना चाहिए, है ना, 20 आना चाहिए, तो 20 × 14 कितना हो जाएगा, 20 + 10 = 30 और 4 = 34, 34/6, 34/6, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 17/3 m/s की वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, बस हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी वाले क्वेश्चन हो गए। अगर इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि सर बताइए कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो भी आप लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, या फिर नहीं लगा पाए आप, देखिए कैसे करेंगे। कैसे करेंगे सोचिए, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। देखिए कैसे, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा, कब, इलास्टिक कोलिजन में, बट अगर हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन आ रहा है तो उसके दो टाइप आएंगे, एक आएगा इन इलास्टिक कोलिजन, कौन सा, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, और एक आएगा इन इलास्टिक कोलिजन, इसे हम अनपरफेक्ट भी बोलते हैं। इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होंगे, और जब चेंजेस होगा तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ये कंजर्व जो एनर्जी नहीं रह रही वो जा कहाँ रही है, आपस में टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद में क्या हो रहा है कि वो एनर्जी हीट फॉर्म में, साउंड फॉर्म में कन्वर्ट हुई जा रही है, वही यहाँ पर लॉस हो रहा है, उसी लॉस को हमें फाइंड करना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज़ फॉर्मूले बेस्ड पूछेगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपसे वो फॉर्मूला ड्राइव करवाए, ठीक है। तो कैसे समझिए,
कुछ चीज़ें होंगी जो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कैसा होगा, हमारे पास में ये दिया है, ये 1 kg का एक मास है, दूसरा मास भी 1 kg का है, मतलब M1 इज इक्वल टू M2 गिवेन है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। इन इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, शुरुआत में इसकी स्पीड जो है भैया 2 m/s है और इसकी स्पीड 1 m/s है। ठीक है भाई, कोलिजन हो गया तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ M1 U1 स्क्वायर है ना, और इसके पास में कितनी आएगी, इसके पास में कितनी आएगी, प्लस का हाफ M2 U2 स्क्वायर आएगी इतनी। जब ये कोलिजन हो जाएगा, बिफोर कोलिजन क्या होगा कि इनकी एनर्जी में चेंजेस आ जाएगा, M1 V1 स्क्वायर प्लस का हाफ M2 और V2 स्क्वायर हो जाएगा। ये भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहले दोनों बराबर आ रहे थे पर अब चेंजेस आएगा, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएं है ना तो हमारा काम बन जाए, पर इक्वल नहीं आ रही। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लेस लगा रहे हैं तो यहाँ पर एक एनर्जी आएगी डेल्टा के, इसी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला है, अगर कुछ ऐसा सिस्टम दिया हुआ हो तो डेल्टा के इज इक्वल टू है ना, क्या होता है फार्मूला, 1/2। देखिए अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो प्लस, और अगर दी जा रही है तो माइनस है ना, पर माइनस से कोई मतलब नहीं है। M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर और 1 - e² बात क्लियर हो रही है आप लोग को। अगर इतनी चीज़ें आप समझ गए हैं तो मैं इसको एक और लेवल पे लेके चलता हूँ जहाँ पर मुझे आपको चीज़ें याद करानी है। ठीक है, जहाँ पर चीज़ें मुझे आपको याद करानी है, अगर इस फॉर्मूले में आए आप तो इस फॉर्मूले में E की वैल्यू के बारे में सोचिए, ये एक फॉर्मूला गया, एक ये फॉर्मूला गया और एक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की बात करें, तो उसके लिए E की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारे पास K कितना आ जाएगा, डेल्टा K हमारे पास 0 आ जाएगा, और अगर हम परफेक्ट इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो E की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर 0 रखने पर जो हमारे पास डेल्टा K का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, हाफ M1 M2 M1 प्लस का M2 का होल स्क्वायर है ना, ये क्या लिख रहा हूँ, मैं सही लिख रहा हूँ, मैंने उल्टा लिख दिया है ना, कितना हो जाएगा, U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर है ना, और ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां पे 1 बचेगा, काम हो गया, बस हो गया, दैट्स इट। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब कोई स्पेशल केस दिया हो। अभी मैं आपको केस समझाता हूं कि कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस तरह से कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखिए यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, मतलब बहुत 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 कम। अच्छा, क्वेश्चन आएंगे कहां से, मैं बताता हूँ कहाँ से आएंगे क्वेश्चंस। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं तो हमें क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, पर बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पहला टाइप का क्वेश्चन जो मोमेंटम से बनता है, आपने अभी तक पढ़ लिया 2 फॉर्मूले, पी इज इक्वल टू एम वी आपने पढ़ा है, K इज इक्वल टू हाफ M V² आपने पढ़ा है, इन दोनों को मिलाने पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के बारे में सोचिए। हमारे पास में K इज इक्वल टू हाफ M V² इज इक्वल टू P² / 2m, ये 2 रिजल्ट आते हैं, P इज इक्वल टू MV और P इज इक्वल टू √2mK, ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए नंबर 1 टाइप है ना, जो टाइप 1 है आपका, जो आपका टाइप 1 है ना, उसमें ग्राफ से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, मैंने कल आपको थोड़ा सा ग्राफ समझाया था, फिर भी मैं यहाँ पे सारे ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक करके। देखिए अगर हम इसकी बात करें, इस फॉर्मूले की बात करें, P इज इक्वल टू एम वी की बात करें और हम M को कॉन्स्टेंट कर दें तो ग्राफ हमारा ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन P और V के बीच में। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये M को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग यही ग्राफ है ना, यहाँ पे m क्या है, m कांस्टेंट है, और अगर हम यही p और यही v
है ना, यही m के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, ये हम बनाएं, तो ये हमारा v हो जाएगा, और यहाँ पर v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये इस फॉर्मूले के लिए ग्राफ हो गया। इस वाले फॉर्मूले पे आइए, p है ना, और अगर इसी फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला लीजिए कि अगर हम ये m ले लें और ये v ले लें, तो ये जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, यहाँ पर p कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए दो स्ट्रेट लाइन है, एक रेक्टेंगल हाइपरबोला है, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2 m k दिया हुआ है। अगर हम p और अंडर रूट k के बीच ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, और अगर हम लोग p और k के बीच ग्राफ बनाएं, p और k के बीच ग्राफ बनाएं तो ग्राफ पैराबोला होगा ऐसे करके, ठीक है। बात समझ में आई कि उड़ा जा रहा है। और अगर यही ग्राफ हम लोग इसमें देखें, तो यहां पर अगर हम लोग k और p स्क्वायर में ग्राफ खींचे तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन m को रिप्रेजेंट करेगी, और यही ग्राफ अगर हम लोग k और m में खींचे तो ये रेक्टेंगल हाइपरबोला होगा। देखिए यहां पे ऐसे दिया हुआ है, कब ये ऐसा होगा, जब भाई साहब p कंजर्व्ड हो, कांस्टेंट हो, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होने के बाद में मैं आपको एक टाइप के क्वेश्चन पे और लेके चलता हूँ, जो मैंने कल थोड़ा सा आपको बताया था, है ना, वो तो हम लोगों ने देख ही लिया है। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी आपके एग्जाम में बाउंसिंग बॉल का क्वेश्चन, है ना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बाउंसिंग बॉल का क्वेश्चन, पर उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। गन वाले क्वेश्चन होते हैं, एक वो क्वेश्चन करना रहता है हम लोग को, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक गन है ना, कोई सुंदर सी गन है हमारे पास में, ऐसे करके, है ना, कोई सुंदर सी गन ले लीजिए, ऐसे करके गन ले लीजिए बढ़िया सी, ठीक है, ऐसे ऐसे तो गन नहीं होती मेरे हिसाब से, है ना, ऐसी भी नहीं होती, ऐसी होती है ना, और यहाँ पे खटका लगा रहता है ना। इसका मास, जो गन का मास है वो mg है, और यहाँ पे एक बुलेट हम इससे रिलीज़ करने वाले हैं, है ना, एक बुलेट इससे रिलीज होने वाली है, और उसका मास कितना है, mb है ना, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, vb, और इसकी वेलोसिटी कितनी हम ले लें, इसकी लेते हैं vg ले लेते हैं, क्योंकि ये कंजर्व्ड रहेगा, तो mg इंटू vg प्लस का वी बुलेट इंटू एम बुलेट इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो गन की वेलोसिटी कैसी होगी, vg इज इक्वल टू माइनस का, vg इज इक्वल टू माइनस का mb अपॉन में mg इंटू एम इंटू vb, है ना, vb। इसे इस वेलोसिटी को हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ऑफ गन, इसे हम ये कहते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपके, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे कि 2 kg की बुलेट दी हुई है, 4 kg से निकलती है, सब फलाना निमका, सिंपल सी बात है, आप फटाफट कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि अगर हमारे पास सर, है ना, 92 यूरेनियम 234 से 238 दिया हुआ है, और ये टूटता है ना, ये टूटता है, कन्वर्ट होकर के ये, है ना, ये 90 थोरियम 234 और प्लस का 2He4, मतलब एक अल्फा पार्टिकल में टूट जाता है, तो जो अल्फा पार्टिकल और इन दोनों के जो वेलोसिटीज होगी उनका रेशियो क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कैसे, शुरुआत में इसका मोमेंटम 0 होता है, पर जब ये टूटेगा तो कुछ वेलोसिटी, दो पार्टिकल अलग होंगे, जब दो पार्टिकल अलग होंगे तो इनके पास में कुछ वेलोसिटी होगी। मान लीजिए इसके, इसका जो मास है वो एम थोरियम इज इक्वल टू 234 है, वेलोसिटी थोरियम कितनी है, कितनी है, vth है, है ना, वेलोसिटी मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे, है ना, कितनी है, vth है, है ना, थोरियम की, और इसकी कितनी है, इसका मास कितना है, एम अल्फा इज इक्वल टू 4 है, और वी अल्फा दिया हुआ है, बस लगा दीजिए, क्या दिक्कत, शुरुआत में 0 था, बाद में एम थोरियम इंटू वी थोरियम प्लस का एम अल्फा इंटू वी अल्फा 0 दिया हुआ है। भाई किसका रेशियो चाहिए, इन दोनों का रेशियो चाहिए, इसको उधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, इसको उधर लेके आओ कितना हो जाएगा, एम थोरियम अपॉन में एम अल्फा इज इक्वल टू, मैं इसको इधर लेकर के आया हूँ, इसको इसके नीचे लाया हूँ, ठीक है, तो वी अल्फा बाई वी थोरियम आ जाएगा। अब इसका रेशियो कितना आएगा, 234/4, काट के देखिए कितना कटेगा,
चार पाँच 20 है ना, तीन बचा नहीं कटेगा है ना, नहीं कटेगा, इतना रेशियो लिख लीजिए, बस सही आंसर हो गया आपका। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, अब अगर ये क्वेश्चन ना कर पाए तो क्या ही बताया जाए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, लिख के लाया हूँ मैं, क्वेश्चन अच्छा है, देख लेता हूँ क्वेश्चन कौन सा है वो। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। इससे ऊपर आपके में क्वेश्चन नहीं आएगा, विच फॉर्मूला फॉर्मूला करेक्ट फॉर रॉकेट रॉकेट प्रपल्सन है ना, प्रपल्सन। ठीक है, पहला है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एफ इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एंड डी एम बाई डी टी। सेकेंड है, नेट फोर्स ऑन रॉकेट रॉकेट इज वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी माइनस एम जी। थर्ड दिया हुआ है वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट रॉकेट आफ्टर टी टाइम इज वी नॉट माइनस का जी टी माइनस का वी रिलेटिव लॉग ई एम नॉट बाई एम टी। ऑप्शन है ए, फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। बी ऑप्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड थर्ड आर ट्रू। सी है, ऑल ट्रू। डी है, ओनली ए ट्रू। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बात को समझने की कोशिश करिएगा। आपके एग्जाम में अगर रॉकेट से कोई क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन आएगा, और ये सारा क्वेश्चन आप याद रखिए। देखिए एक रॉकेट है, एक रॉकेट ऊपर जा रहा है ना। देखिए थ्योरी हम लोग को नहीं पढ़नी है क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगी सर, है ना। ये रॉकेट ऊपर जा रहा है, जब रॉकेट ऊपर जाएगा तो इसका जो मास होगा आपके हिसाब से बढ़ना चाहिए, पर नहीं, इसके अंदर जो फ्यूल फील्ड है वो कम होता रहेगा। जो यहाँ पे dm अपॉन dt दिया हुआ है, ये फ्यूल को कम करने वाला टाइम है, मतलब मास है। पर यूनिट टाइम पर या पर टाइम या पर टी सेकेंड पे या किसी भी टाइम पर जो मास कम हो रहा है उसके लिए जो फोर्स है ये फोर्स है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी इस बॉटल में है ना 700 ml पानी है, अब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसके इसका फ्यूल जल रहा है, तो थोड़ी देर के बाद में ये 500 ml बचेगा, फिर 400 ml बचेगा, ये कम होता जाएगा। जो कम होने की दर है वो दर ये है, ये रेट है इसका। ठीक है, यहाँ पर तो पहला तो करेक्ट हो गया, ये ऊपर लेके जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, एयर रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है या काम कर रहा है तो उसके लिए वी आर ले लेंगे, है ना। नेट फोर्स एम जी, जितना इसका वेट है नीचे जाएगा और जितनी दर से ये ऊपर जाता रहेगा उसका ये रेट है। ठीक है, तो कहने का मतलब सेकेंड भी सही है। और थर्ड वाला वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट आफ्टर टी टाइम, वी नॉट, शुरुआत में जितनी वेलोसिटी से हमने रॉकेट को ऊपर भेजा था वो वेलोसिटी जी टी, जितने टाइम पर हम पूछ रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर एम टी का मतलब क्या है, शुरुआत में उसका मास कितना था। जैसे मान लीजिए हम इस रॉकेट को जब हमने लॉन्च किया, इसके अंदर फ्यूल मिला करके ये 2 क्विंटल का था, 2×10^6 kg का था ये, है ना। तो ये वैल्यू क्या है इसकी, एम नॉट है। ठीक है, टी इज इक्वल टू 2H पर, है ना, इसके पास जो इसका मास बचा है वो मास है 2×10^5 kg। बात समझ रहे हैं सर, ये m क्या है, ये मास टोटल मास है, m इज इक्वल टू दिस m नॉट। ठीक है, अब हमने जब इसे रिलीज किया था उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 10^6 m/s है मान लीजिए। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का सार है, तो इसमें सारे सही है, मतलब इसमें ऑल ट्रू है। ये एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रखता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चन पर भी विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बाउंसिंग वाले पे आते हैं। बाउंसिंग बेबी होता है, बाउंसिंग बॉल भी होता है,
बाउंसिंग बॉल से दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। हालांकि वैसे तो दिया नहीं है आपके में, है ना। कोलिजन का एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया है, एक आपके में दिया है इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना। इम्पैक्ट पैरामीटर पहले देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर के पास में, किसके पास में, इम्पैक्ट पैरामीटर के पास में। सपोज करिए कि ये एक बॉल है ए, ठीक है, और इस बॉल के सामने ये इसकी स्पीड है यू वन और ये इसकी लाइन है, ठीक है। इस लाइन से इतनी लाइन पर एक दूसरा मास है और इस बॉल का जो रेडियस है वो है आर वन और इस वाले बॉल का जो रेडियस है आर टू है। ये आकर के यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ये इसकी स्पीड है यू टू। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा, है ना, क्वेश्चन ये बनेगा, है ना। विच वैल्यू ट्रू फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर, बैकग्राउंड लिखा होगा इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। पहला ऑप्शन होगा बी, इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स में ए से रिप्रेजेंट किया गया है, जीरो टू बी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। बी ऑप्शन होगा जीरो बी आर वन प्लस आर टू। सी ऑप्शन होगा जीरो आर वन प्लस आर टू बी, और डी ऑप्शन होगा जो करेक्ट ऑप्शन में लिखने वाला हूँ आपके लिए, बी और ये आर वन प्लस आर टू। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है वो आर वन और आर टू के बीच की वैल्यू डिसाइड करता है, ये आपका इम्पैक्ट पैरामीटर होता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप ये एक क्वेश्चन याद रखिएगा मेरा, हो सकता है क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाए तो इसके लिए खुश हो जाइए थोड़ा सा। अब आता है कि सर हम लोगों ने एक टाइप का क्वेश्चन करना है, हम लोग को अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमारे पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू में मैं कैसे काम करना है। सपोज करिए कि हमारे पास में ये सब सिस्टम दिया हुआ है, ये सब सिस्टम दिया हुआ है। सिस्टम में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास ये एक बॉल है, इसका मास है m1, इसकी वेलोसिटी है u1 और एक दूसरी बॉल है यहाँ पर, इसका वेलोसिटी है u2 और इसका मास है m2। ये लोग ऐसे आकर के टकरा रहे हैं, यहाँ पे टकराएंगे, टकराने के बाद में एक ये वाला m1 ऐसे जा रहा है ना, ये m1 जा रहा है, इसकी स्पीड v1 है और ये ऐसे जा रहा है, इसकी स्पीड m2 है और ये स्पीड है v2 है। तो हमने मान लिया कि जो इसकी ऑब्लिक लाइन है यहाँ से, ये वाली जाने वाली लाइन है जो यहाँ से, ठीक है, ये जो लाइन यहाँ से जा रही है ऐसे करके, वो लाइन से ये एंगल कुछ ऐसे बना रहे हैं और ये लाइन ऐसी है ना, वो लाइन कुछ ऐसी है। ये एंगल हमने मान लिया अल्फा है और ये एंगल मान लिया हमने बीटा है। तो शुरुआत में यहाँ पर जो मोमेंटम कंजर्व रहेगा वो रहेगा एम वन यू वन प्लस का एम टू यू टू इज इक्वल टू। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर हम यहाँ पर इसको दो एंगल पे डिवाइड करते हो जाएगा वी वन, है ना, वी वन एम वन वी वन और ये कितना हो जाएगा कॉस अल्फा। इसी डायरेक्शन में इस वाले मास का कॉम्पोनेंट आएगा एम टू वी टू और ये आएगा कॉस बीटा। ये कब है, फॉर एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा एम टू, है ना, यहाँ पर आएगा m2 v2 और ये आएगा हमारा साइन बीटा। यहाँ पे क्या आएगा m1 v1 और साइन अल्फा। देखिए क्वेश्चन आपके ऐसे ही लग जाएंगे इसमें के, है ना, परेशान होने वाली बात नहीं है। फॉर x एक्सेस m1 u1 प्लस का m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 cos अल्फा, ठीक है, प्लस का m2 v2 और cos बीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन और मान लीजिए फॉर y एक्सेस, है ना, y में ऊपर नीचे बराबर कर दीजिए बस, m1 v1 sin अल्फा इज इक्वल टू m2 v2 एंड sin बीटा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, बस आपको फॉर्मूले पते हैं और क्वेश्चंस लगाने आपको आ जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है कि आप कॉलिजन पढ़ रहे, ये ट्वेल्थ की बातें हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल सी, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा ही दिया आपको, है ना। ये आपका इतना हो गया, अगर सोचिए इतना होने के बाद में अब हम लोग को पढ़ना है बाउंसिंग बॉल, क्या पढ़ना है,
बाउंसिंग बॉल, ठीक है। एक बॉल है, हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे आती है, यहाँ पे टिप करती है, और ऐसे आकर कैसे जाती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है, और फिर क्या होगी, फिर गिर जाएगी, और क्या होगा, और चिप हो जाएगी, ठीक है। इस वाले जगह पर इसकी हाइट है एच नॉट, ठीक है, और यहाँ से बॉल यहाँ पर आके डिप होती है। यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और इस वाले पॉइंट पर आने पर इसकी वेलोसिटी वी हो जाती है, ठीक है। तो इस वी की जगह पर हम बोलेंगे वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये हो गया हमारा नॉट। अब सोचने वाली बात है कि सर यहाँ पर इस तरह से पढ़ना है, नहीं यार इस तरह से पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। चार फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, फटाफट लिख लो, काम हो जाएगा उन्हीं से। पहला फॉर्मूला ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। एक होता है वी एन इज इक्वल टू ई एन और वी नॉट, एक होता है एच एन इज इक्वल टू ई टू एन, और ये होता है हमारा एच नॉट। इन दो फॉर्मूले से ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बताओ क्या दिक्कत है। इस तरह से अगर क्वेश्चंस बनाओगे तो पागल हो जाओगे, क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे। अब क्या करें, कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सोचने वाली बात है, परेशानी वाली बात है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक पार्टिकल है, एक बॉल है ना, एक बॉल है। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक बॉल है ना, एच इज इक्वल टू 20 मीटर की ऊंचाई से है ना छोड़ी जाती है, छोड़ी जाती है। यदि ई बराबर 1/2 हो तो है ना, तो द्वितीय उछाल पर है ना वेग होगा, वेग होगा, ये क्वेश्चन है। मतलब जो सेकेंड टाइम का जो बाउंस होगा उस पर कितना वेलोसिटी होगा, बस यहाँ रखो। वी टू इज इक्वल टू ई टू इंटू वी नॉट, कितना है हमारे पास में बताओ। अब वी नॉट निकालना पड़ेगा, यहाँ से वी नॉट कितना हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 × 10 इंटू कितना दिया है, 10, 20, 20 दिया है ना, 20, ये हो जाएगा 4, मतलब कितना आ जाएगा, 4 से 2, 2 मतलब 20 आ जाएगा ना, 2 और 10, हाँ 20 आ जाएगा। तो वी नॉट कितना आएगा, 20, यहाँ रखेंगे 20। अब कितना आ गया यहाँ पे, वी टू इज इक्वल टू ई की पावर है ना 2 × 20, ई कितना हमारे पास 1/2, 1/2 × 20 इज इक्वल टू 1/4 × 20, कट करो कितना आएगा 5, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, बताओ क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अगर दिक्कत नहीं है मेरे भाई तो फिर अब यहाँ पर क्या करना है। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई हाइट कितनी है सेकंड उछाल पे, तो एच टू इज इक्वल टू कितना है, एच टू एन दिया हुआ है, ई टू इंटू एन, एन कितना है सेकंड उछाल की बात कर रहा है, तो 2 हो जाएगा। हाइट कितनी है पहले 20, अब कितना हो जाएगा, 1/2 दिया है, तो 1/2 4 8 16, 1/16 इंटू 20, 4 × 4 5, 4 × 16, 5/4 आ जाएगी। इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई। अगर मान लो दुखी हो गया, मान लो बहुत खुश हो गया है ना, अगर मान लो बहुत खुश हो गया, बहुत दुखी हो गया, तो फिर क्या पूछ सकता है, पूछ लेगा भाई टोटल हाइट बता दे कितनी है ना, कुल दूरी कितनी चली है, कुल दूरी बता दो, कुल दूरी है ना बॉल द्वारा है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉल है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉल है ना, ट्रेवल्ड बाई बॉल कितना हो जाएगा। तो h नॉट यहाँ लगा लो, यहाँ पे लिख दो, h इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 + e² / 1 - e² है ना। ये एज इट इज फॉर्मूले आप याद करिए, और आपके एग्जाम में एज इट इज फॉर्मूले आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे हो गया। अब मान लो मतलब बहुत गुस्सा हो गया, तो टाइम पूछ लेगा, भाई टाइम बता दे कितना हो गया, तो टाइम t इज इक्वल टू है ना अंडर रूट 2h0/g, यहाँ 1 + e और 1 - e, बस हो गया। इससे ऊपर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है भाई। अगर मान लो दुखी है तो क्वेश्चन करा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, सारे क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे आपको है ना। और अगर आप चाहते हैं कि भाई डेरिवेशन ही कर लें, तो भाई डेरिवेशन कर लो, क्या बताएं, जब आपको टाइम वेस्ट करना ही करना है तो हम क्या ही कह सकते हैं।
डेरिवेशन आना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर एक डेरिवेशन पर आधे घंटे का टाइम वेस्ट करना बहुत बड़ी टेक्निकल बात है। सोचिए कि अगर आप एक फॉर्मूला याद करके आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इतना ज़्यादा बर्डन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं सच में कि आपको सेलेक्ट होना है, तो कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी, है ना। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला करेक्ट फॉर बाउंसिंग बॉल। ठीक है, फर्स्ट वी एन इज इक्वल टू ई एन वी नॉट, बी वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच नॉट, सी एच एन इज इक्वल टू ई की पावर टू एन एच नॉट, डी टोटल हाइट एच इज इक्वल टू एच नॉट वन प्लस का ई स्क्वायर बाई वन माइनस का ई स्क्वायर, ए बी सी डी ई ई टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टी इज इक्वल टू वन प्लस ई बाई वन माइनस ई अंडर रूट टू एच बाई जी। तो ये सारे फॉर्मूले करेक्ट हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले करेक्ट हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ये साइड वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? आई थिंक सब दिख तो रहा होगा भाई साहब, हाँ सब कुछ दिख रहा है ना। अब और कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई? देखिए, हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में हमें हर चीज़ याद होनी चाहिए। तो मैं छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ, जिससे आप अपनी चीज़ों को याद कर लें, है ना। कोलिजन पैरामीटर्स और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी चीज़ें देख लें। देखो, सबसे पहले समझो, हम लोगों ने पढ़ा आज कोलिजन, है ना, हम लोगों ने आज कोलिजन पढ़ा। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो वही लोग वाही याद हो चुका है। हम लोगों ने कोलिजन पढ़ा, कोलिजन में हम लोगों ने तीन टाइप पढ़े। एक पढ़ा परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, बहुत छोटा लिख रहा हूँ मैं, है ना। एक हम लोगों ने परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए, है ना, ई की वैल्यू वन होती है, ई की मैक्सिमम वैल्यू हाथी के दांत के लिए होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होता है, ई की वैल्यू जीरो हो जाती है। फिर पढ़ा हम लोगों ने इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें ई की वैल्यू कितनी होती है, यही आपको याद रखना है, जीरो से बड़ी होती है और एक से कम होती है। ठीक है, कोलिजन में हम लोगों ने तीन टाइप पढ़े। तीन टाइप में सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने क्या था, यही था। ठीक है, यही से क्वेश्चन पूछेगा। इस वाले में पीई के होता है, मतलब तीनों कंजर्व्ड होते हैं। इस वाले में पीई कंजर्व्ड होता है, इसमें भी पीई कंजर्व्ड होता है, और अनकंजर्व्ड में के रहता है। ठीक है, अनकंजर्व्ड में के रहता है, के कंजर्व्ड नहीं रहता है। काइनेटिक एनर्जी के लिए जो एनर्जी का फॉर्म होता है, काइनेटिक के इज इक्वल टू हाफ एम वन एम टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू और यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। याद रखिएगा, इसी से सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, है ना, काइनेटिक में चेंज आ जाएगा। एक फॉर्मूला और बताता हूँ, है ना, फ्रैक्शनल चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पर वो बहुत सारे जब हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मूले, उस वहाँ पे बनते हैं, पर हम लोग को बेसिक तरीके समझना है ना। अगर हम लोग अभी इसको सॉल्व कर रहे होते तो हम लोग कई तरीके के अलग क्वेश्चन करते, बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपल वे में इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए, है ना, पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, है ना। ये कब है, ये है आपका बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन। यहाँ पर आएगा एम वन यू वन प्लस का एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस का एम टू वी टू आएगा। ये फॉर्मूला सब जगह पर आएगा, काइनेटिक एनर्जी एम वन वी वन स्क्वायर प्लस का एम टू वी टू स्क्वायर एम वन यू वन स्क्वायर प्लस का एम टू यू टू स्क्वायर आएगा, और वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू ई यू वन माइनस यू टू, यहाँ पर माइनस साइन लगा लीजिए, ये मैंने आपको बताया था। इतने फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे,
कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप फटाफट कर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे हमारे में दिया है रोटेटिंग फ्रेम्स, ये हमारे में एक और उसमें चैप्टर में दिया हुआ है, और साथ में दिया हुआ है ना, और साथ में क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कोरिओलिस फोर्स, है ना। तो फोर्स पढ़ना है हम लोग को, कौन सा, कोरिओलिस फोर्स, है ना, ओमेगा, और यहाँ पे वी डैश लिख लीजिए। ये हमारा फोर्स क्या है, कोरिओलिस फोर्स, है ना, कोरियो मैंने कोलियो लिख दिया है ना, को रियो कोरियो लिस फोर्स, है ना, ये तो है, ये तो है, आई थिंक चेक कर लेता हूँ, स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, तो स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही मुझे क्या कितनी गलत बात है, कोरियोलिस फोर्स, है ना, कोरियो सही तो लिखा मैंने, कोरियोलिस फोर्स है ना, ये हमारा फोर्स हो गया। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा पाए आप, हमारे पास दो फ्रेम है, एक है एक्स वाई एक जेड, है ना, और एक फ्रेम है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, यही है ना। देखो आपसे इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, पहला पूछेगा कि कौन सा फॉर्मूला कोरिओलिस फोर्स को डिफाइन करता है, ये फॉर्मूला डिफाइन करता है, यहां पर मैं ऐसे लगा रहा हूं यहां पर, ठीक है। दूसरा, फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस टू एम, है ना, यहां पर ओमेगा इंटू डी आर डैश अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला भी आपको लिखा मिल सकता है। एफ इज इक्वल टू माइनस टू एम, टू एम ओमेगा डी आर डैश अपॉन डी टी, और यहां पर साइन थीटा लिखा मिल सकता है। तो यहां से हमें समझ में एक बात और आ रही है कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो है मेरे भाई, थीटा की वैल्यू 90 है मेरे भाई, तो क्या होगा, दोनों वैल्यू को समझना है। थीटा की वैल्यू अगर जीरो कर देंगे तो कोरिओलिस फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और 90 कर देंगे तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। अब कैसे 90 करेंगे, अगर हम दोनों फ्रेम उठा करके एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, पैरेलल कर देंगे, तो जो फोर्स आएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर इनको घुमा के 90 पे घुमा देंगे, ऐसे 90 घुमा देंगे, तो फोर्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, और उस मैक्सिमम कंडीशन का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, माइनस टू एम ओमेगा डी आर डैश बाई डी टी। ये दूसरे फ्रेम का है, ये दूसरे फ्रेम का है। ओमेगा क्या है, जो फ्रेम रोटेट हो रहा है उस फ्रेम की एंगुलर वेलोसिटी है, मास तो आपको पता ही है। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिसमें आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि कल हम लोग फिर से कोरिओलिस फोर्स जो होता है, जो फिक्सिशियस फोर्स होता है, इस पर हम लोग और डिस्कशन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्वेश्चन इन तीन फॉर्मूले से आ जाएंगे, और अगर नहीं ठीक रहा तो जो मैं बताऊंगा सिर्फ वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, आप देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।